इंद्री के राधा स्वामी सत्संग घर में रह रहे शरणार्थियों को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से सुबह के समय योगासन प्राणायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम करवाया गया। इस अवसर पर योग प्रचारक मुकेश शर्मा, योग शिक्षक मास्टर जसमेर सिंह आर्य एवं विजय काम्बोज ने सभी प्रवासियों को योग के महत्व के बारे में बताया। योग प्रचारक ने कहा कि योग और प्राणायाम से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा हम अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं तथा हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है। यदि हम नियमित योग एवं प्राणायाम करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते हमें योग प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। स्वामी रामदेव ने भी योग के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। योग प्रचारक मुकेश कुमार, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। आज इंद्री राधा स्वामी सत्संग भवन में जो शरणार्थी हैं, 74 शरणार्थी यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उन सभी को स्वामी जी के आदेशानुसार, जो प्रशासन के आदेशानुसार जो भी नियम बनाए गए हैं, उनको योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। सबसे पहले उनको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ योग अभ्यास करवाए गए और प्राणायाम के बारे में बताया गया, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम भ्रामरी। ये वो प्राणायाम हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर जो भी शरणार्थी हैं उनकी भी मैं बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि बहुत ही नियम और कायदे से वो रह रहे हैं और योग प्राणायाम की इस कक्षा में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना हमें, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उठने बैठने का तरीका। जैसे प्रवासी मजदूर हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इनको समझाने में, इनके साथ योगाभ्यास करने में हमें नहीं महसूस हुई। तो प्रशासन की तरफ से ये जो सराहनीय कदम उठाया गया है उसकी हम बहुत सराहना करते हैं और स्वामी जी महाराज का, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का ये आह्वान है कि हम हर रोज़ निरंतर योग करें और इस महामारी से बचने के लिए निरंतर योग की कक्षाओं का संचालन हम करते रहें। हम घर घर में योग करें और कहीं भी ऐसे इस पवित्र स्थान पर हम बैठकर अगर हम योग करते हैं तो प्रकृति की इस शरण में हमें जो वरदान प्राप्त होता है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए और प्रकृति की शरण में ही रहना चाहिए। तो मेरा सभी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर में रहते हुए सभी योग और प्राणायाम करें और कानून के इन नियमों का पालन करें, जो भी हमें निर्देश मिले हैं, अपने घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें और सदा स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.